हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ A24 नॉलेज। और आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे RRB JEE CBT 2 एग्ज़ाम के बारे में। CBT 2 का एग्ज़ाम 28 अगस्त से स्टार्ट होगा और 1 सितंबर तक चलेगा। ये 4 और 5 दिन का स्लॉट है। उस विंडो जो खोली गई है वो 4-5 दिनों की है, उसके अंदर ही सभी का एग्ज़ाम कम्प्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं बाकी बचे हुए जो दिन हैं हमारे पास, उसमें हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, तो कैसे आप इन 10 से 12 दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छा बेहतर मौका दे सकते हो CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। बात करेंगे इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ पॉइंट्स की, जिसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है हाउ टू रिवाइज ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन 1 डे। एक दिन के अंदर आप क्या सारे टेक्निकल रिवाइज कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज़ पॉसिबल। और किस तरीके से होगा, इन 10 से 12 दिनों की स्ट्रेटेजी में हम इसे पूरा कंप्लीट देखेंगे। फिर हम बात करेंगे हाउ टू गिव टेस्ट। टेस्ट कितने देने हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब से दे सकते हो, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़, इज़ दिस टाइम इज़ सफिशियंट टू क्रैक CBT 2? क्या आपने बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं की है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स हुए हैं, नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो क्या आप 10 to 12 डेज़ के अंदर उसे कंप्लीट कर सकते हैं इस CBT 2 के लिए? तो उसकी भी मैं बात करूँगा कि क्या ये टाइम सफिशियंट है और नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस। सिलेबस के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे पहले चीज़ लिखी हुई है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सिलेबस मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखने में बहुत बड़ा लिख रहा है, दिख रहा होगा आपको कि कुछ ज़्यादा ही सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस 1 घंटे का सिलेबस है, 1 आवर का सिलेबस है सिर्फ। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 घंटे का सिलेबस है। अगर किसी ने पहले से प्रिपेयर करके रखा है SSC के लिए या गेट के लिए या ESC के लिए, तो उसके लिए तो ये 1 घंटे का सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जिसने अभी तक कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, सिर्फ नॉन टेक की तैयारी कर रहा था, वो अब उसको पता चला और अब वो तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए ये 2 से 3 घंटे का काम है। यानी कि उसको एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे जिसने इसे पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो ये दे रखे हैं ना, ये हमें टॉपिक के नाम दे रखे हैं, ये चैप्टर नहीं है। जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेंट, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन, तो ये जो यहाँ से लेकर के और लास्ट ये नॉन करेंट फोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये एक चैप्टर है, एक चैप्टर, ठीक है ना। फिर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से लेकर के यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा, और मेरा जो लास्ट पार्ट मेरा आता है कि इंक्लाइंड प्लेन का हमारा फ्रिक्शन कितना होता है, ये हमारा दूसरा चैप्टर होता है। कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर सभी सेक्शंस के आपको MOI मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने होते हैं, वो पूरा 3rd चैप्टर है। यानी कि 3 चैप्टर हुए और आपका देखिए कितना सारा कोर्स ख़त्म हो चुका है। चौथा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसी के अंदर ये सारे आ जाएंगे आपके, इसमें आप एक और चैप्टर मान सकते हो ये न्यूटन लॉ वाला। ये 4 चैप्टर का काम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर का काम है। पहले किसी ने अगर पढ़ा हुआ है तो उसे 1 घंटा भी नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत भी अगर उसे आइडिया है तो। लेकिन अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, बहुत दिनों हो गए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हुए, तो 2 से 3 घंटों में आप इजीली कवर कर सकते हो। कवर कहाँ से करना है, बुक कौन सी यूज़ करनी है, क्या स्टैंडर्ड पे जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या कोई नोट्स पकड़ोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास SSC के कोई नोट्स हैं वो आप करना चाहते हो, डेफिनेटली कर लीजिए, लेकिन अलग से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक डाल दी है, वो उस बुक के अंदर, वो खुरमी की बुक है, खुरमी की PDF है, ये खुरमी की PDF है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे 20 से 40 पेजेस के बीच की सभी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
20 से 40 पेजेस। अब ये वेरी कर सकता है, हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 20 पन्नों की हो और हो सकता है मटेरियल साइंस 25 की हो, डिपेंड करता है कि किस तरीके से है। मटेरियल साइंस बहुत ज़्यादा आसान दे रखी है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2 से 3 टॉपिक हैं। ये करने में अगर किसी स्टूडेंट ने पहले करा हुआ है, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो 1 घंटे से ज़्यादा किसी में चीज़ में नहीं लगेगा जिसने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो 2 से 3 घंटे इसमें भी आपको लग जाने वाले हैं। काम सेम, खुरमी की PDF नीचे दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए। 20 से 40 पन्ने हैं फर्स्ट डे के अंदर, आज 16 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आज से ना स्टार्ट करके, मान लीजिए कल से स्टार्ट करते हैं 17 से, ठीक है। तो कल है 17 अगस्त, ठीक, 17 अगस्त, ठीक है। 17 अगस्त को आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन दोनों की थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 17 अगस्त को। कितने घंटे का काम है ये? 2 से 3 घंटे का काम है, ठीक है। और अगर जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा, उसके लिए 4 से 5 घंटे का काम है, एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस कौन से करने हैं? देखिए, खुरमी के PDF में नीचे की तरफ आपको जो ये 20 से 40 पन्ने हैं, इनके जस्ट पीछे पहले तो थ्योरी दे रखी है, फिर उसके बाद उनके आंसर दे रखे हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप सीधे स्विच कर जाइए RRBJEE के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के RRBJEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और SSCJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डायरेक्टली आप ये सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी कवर कर लो आप, यहाँ से बस थ्योरी कवर करनी है। तो देखिए, 17 अगस्त, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये 23 तक का स्लॉट मैं आपको प्रोवाइड कर सकते हो आप, जिसके अंदर आप थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। हो तो ये 5 दिन में भी कर सकते हैं, 4 दिन में भी सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स जो भी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी साथ साथ चलाना है, तो जहां आपको 5 दिन लग रहे थे, 2 दिन आप एक्स्ट्रा लगाइए, इसे भी आराम से कर लीजिए, और साथ साथ में आपकी नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपकी कंटिन्यूस चलती रहेंगी। खुरमी की PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, जिसके अंदर थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं। अब उन क्वेश्चंस को आपकी मर्जी है, करना है या नहीं करना है, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कुछ ही नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ किस तरीके से करना है। 17 अगस्त कल है, मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने उठाई, आपको लगे 3 आवर, मैं वर्स्ट केस लेकर के चल रहा हूँ कि 3 आवर्स लगे आपको इसकी थ्योरी पढ़ने में 25-30 पन्नों की, ठीक है। आपने पढ़ा, आपने सीधे जाना है RRBJEE के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 PDF मेरे पास थी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तीनों मिल जाएंगी आपको, वो डाउनलोड कर लेना। SSCJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो SSCJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों निकालिए, सारे सॉल्व कर लीजिए। 200-250 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने वाले। कितने देर लगेगी 200-250 क्वेश्चंस करने में? 2 से 3 घंटे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आराम से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मैं वर्स्ट सिचुएशन लेकर के चल रहा हूँ, बेस्ट सिचुएशन आप बनाइए इसमें से। सेम काम मटेरियल साइंस का करना है। बात आती है फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, गेट का, ESC का, SSC का इवन, लेकिन RRB का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कंसाइज किया है इन्होंने, तो आपको टॉपिक्स यहाँ देख के फिर पढ़ना है, ठीक है। सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपको आपका डिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन का कोर्स में तो नहीं दे रखा है, अब आ जाएगा वो तो मैं उसका तो कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ना तो आपके पास यहाँ पे आएगा आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ना ही आपको पढ़ना है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस, ना ही पढ़ना है आपको शीयर स्ट्रेसेस। तो 3 जो बड़े और अच्छे चैप्टर्स थे वो तीनों इन्होंने गायब कर दिए, यहाँ से हटा दिए हैं, तो आपकी और थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़ोगे इस खुरमी से में से भी या कहीं और से भी, तो वो चैप्टर्स छोड़ दें, अभी आपको कोई नीड नहीं है। आ जाता है क्वेश्चन, छोड़ देना, उसका रीज़न ये है कि अभी आपको कोर्स कंप्लीट करने पर ध्यान देना है, सिर्फ 10-12 दिन ही हैं। तो आपको सबसे काम क्या, पहले काम क्या करना है, आप
ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं आरआरबी के अंदर भी और एसएससी के अंदर। आरआरबी के तो सारे कर लेना, एसएससी में जो भी आपके चैप्टर्स नहीं है वो छोड़ सकते हो, एसएससी के क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। सेम काम, अब देखिए मशीनिंग जो है, अब जो चार टॉपिक्स मैं आपको गिना रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा कि अगला है अपने पास आ जाएगा वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस और मेट्रोलॉजी। ये जो सारे पार्ट हैं ये सारे पार्ट प्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया हमारा मशीनिंग का, ये मशीनिंग वाला पार्ट, नेक्स्ट वेल्डिंग वाला पार्ट, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस और मेट्रोलॉजी, ये प्रोडक्शन के पार्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार टॉपिक्स अलग अलग तरीके से लिख के दिए हैं इन्होंने। इसका मतलब बहुत अच्छी आने वाली है, आराम से दो दिन लगाना इसके अंदर, इस मशीनिंग को करने में, वेल्डिंग को करने में, ग्राइंडिंग फिनिशिंग और मेट्रोलॉजी, दो दो कर लो, दो दो टॉपिक, क्योंकि ये एज अ चैप्टर आते हैं। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, एग्जाम्पल के तौर पर गेट देते हो या ESC देते हो, तो ये एज अ चैप्टर आते हैं। वेल्डिंग एक चैप्टर है, ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस एक चैप्टर के अंदर आता है, मेट्रोलॉजी एक चैप्टर है, मशीनिंग का एक चैप्टर है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को इन्होंने सब्जेक्ट के रूप में लिया है। सब्जेक्ट के रूप में लेने का मतलब क्या है कि इनमें से क्वेश्चंस जो बनेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होंगे, यानी कि वेटेज इनका अच्छा होगा। यानी कि प्रोडक्शन का मैं टोटल कहूँ तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो प्रोडक्शन का होगा। तो आप यहाँ पर आराम से दो दिन लगा करके इन चारों टॉपिक्स को कम्प्लीट करिए। बहुत आसान टॉपिक हैं, सिर्फ थ्योरी आएगी इसके अंदर से, जो बेसिक फार्मूलाज बनते हैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, सिर्फ वो ही करना है। अदरवाइज़ बड़े बड़े क्वेश्चंस या बड़े बड़े फार्मूलाज को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। करना कहाँ से, अगेन आपके पास नोट्स हैं तो ठीक, अदरवाइज़ खुरमी की PDF उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, इसके पीछे वाले क्वेश्चंस मत करने बैठना। 300-400 क्वेश्चन हर पॉइंट पे दे रखे हैं, तो वो करने से मतलब नहीं है। सीधा जाना है RRBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और SSCJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग ने एक दिन में कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस को, दूसरे दिन में मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बचा कुचा पार्ट, अगर मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से कुछ पार्ट रह जाता है तो आप दूसरे दिन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब पहले दो दिन 17 और 18 तारीख को मैं तीन सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुका हूँगा। उसमें तीन सब्जेक्ट्स के अंदर मेरी क्या क्या चीज़ कंप्लीट है, थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट, RRBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगले दो दिन के अंदर 19 और 20 के अंदर मैं बाकी के चार टॉपिक्स और कंप्लीट करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस और मेट्रोलॉजी, या मैं कह दूँ प्रोडक्शन कंप्लीट होंगे, जिसके अंदर मैं थ्योरी, RRBJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और SSCJEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग। 17 और 18 को हमने कंप्लीट किया सोम तक, 19 और 20 को मैंने कंप्लीट किया है यहाँ तक, और उसके बाद मेरे पास तीन टॉपिक हैं, तीन दिन है, एक दिन में एक टॉपिक करना है। 21 को कंप्लीट कीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, 22 को कंप्लीट करना है इंडस्ट्रियल, आईई और फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत आसान चैप्टर्स दे रखे हैं। ये सारा हमारा एक चैप्टर हो गया, ठीक है। पास्कल्स लॉ से स्टार्ट करोगे, पास्कल लॉ सेकंड चैप्टर के अंदर आता है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर तक। अब यहाँ देखना, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस जो हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ऑफ बायोन्सी है, ठीक है ना, तो वो आप छोड़ दोगे हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ बायोन्सी डायरेक्ट पहुँच जाएँ। फिर उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए बर्नौली इक्वेशन है, उसके अजम्पशंस जो हैं पांच छः, वो सारे पढ़ने हैं, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब और करंट मीटर। इसका मतलब क्या है, आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको टर्बुलेंट फ्लो नहीं पढ़ना और डायमेंशनलेस नंबर नहीं पढ़ने आपको, मतलब ये सारी चीज़ें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। विस्कस फ्लो नहीं करना आपको, सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है। पाइप वाला जो चैप्टर है आपका वो भी नहीं करना है आपको, लॉसेस जिसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद आपको करना है ये, यहाँ पर भी देखिए ना, तो आपको कंप्लीट करना है इम्पैक्ट ऑफ जेट नहीं करने, इम्पैक्ट ऑफ जेट्स नहीं करने, टर्बाइन भी नहीं करनी, ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, पंप। एक दिन में कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये एक दिन का काम है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे जो है ना, तीन एक एक दिन के काम है ये, थर्मल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और अपना थर्मल।
अब हो गई है क्योंकि आपके पास, अब देखिए पहले आप दो दो सब्जेक्ट के डेढ़ डेढ़ सब्जेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ एक एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आपका वेटेज जो है आपके पास, या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। तो यहाँ पर आप जब चालू करेंगे तो आप अपना जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको इंक्रीज़ कर दीजिए, नॉन टेक्निकल वाली जो स्पीड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं नॉन टेक वाले पार्ट को, ठीक है ना। इन तीन को जब पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको इसकी थ्योरी पढ़नी होगी एक बार, और क्वेश्चंस करने होंगे प्रीवियस ईयर। सेम आई आई का तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आपको मिल जाएगा तीन तीन या 4 घंटे के अंदर ये इंडस्ट्रियल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। और जिसने पहली बार पढ़ रहा है या कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन टेक्निकल फिर आपको यहाँ से करना है, और ये नॉन टेक्निकल यहाँ भी आपको इंक्रीज़ करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक, जिसके अंदर मैंने 17 से स्टार्ट किया था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। अब कौन कितने दिन बच गए हमारे पास, 24, 25, 26 और 27, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 28 को जाने वाले हैं, 28 को जिनका पेपर है, ठीक है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 27 तक तो आप प्रिपेयर करोगे ही, या 26 तक तो करोगे ही, अगर आपको जाना भी पड़ रहा है मान लीजिए। तो मैं 27 को भी हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं उसको भी हटा देता हूँ। वर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि 28 को पेपर है और सेंटर दूर है, तो 26 तक ही तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने देखिए 3 दिन का बफर लिया है, यहाँ पर तैयारी करनी है सिर्फ इतने 7 दिनों के अंदर, ठीक है। आज का दिन आपके पास है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सारा टेक्निकल प्लस सारा नॉन टेक्निकल, जिसके अंदर सारी थ्योरी प्लस सारे न्यूमेरिकल आरआरबी जेई और एसएससी जेई की कंप्लीट होनी चाहिए, जो सिलेबस में है, रिमेंबर दैट। उसके बाद आपको करना है 25, 24, 5 और 26 में टेस्ट। रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट के थ्रू करना है, ठीक है। जो हाँ मैंने बताया था कि रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन एक दिन में कैसे हो सकता है, रिवीजन एक दिन में होगा वाया टेस्ट। कैसे, पहले दिन आप मान लो 24 को टेस्ट देने बैठते हो, आपका 23 को कंप्लीट हो चुका है, 24 को टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, टेस्ट बुक की लेनी है, ग्रेड अप की लेनी है, दैट इज़ योर डिसीजन। तो 24 को आपने टेस्ट दिया है, कितने देर का, अगर आप टेस्ट की बात करेंगे 120 मिनट का है, इसका मतलब 2 आवर्स का टेस्ट है, 2 आवर टेस्ट है, ठीक है। सुबह एक टेस्ट दो, शाम को एक टेस्ट दो, दिन में 2 टेस्ट देना है। 24 को आपने सुबह टेस्ट दिया, 2 घंटे का टेस्ट है। फिर आप उसमें चेक कर लीजिए कि कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, या मैं कुछ चीज़ें आप देखोगे कि आप मिस कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रही वो, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को जा करके वहाँ पर देख लीजिए वापस। ये काम आपको करना है पूरे दिन, ठीक है। टेस्ट दीजिए, सारा काम कीजिए पढ़ने का, उसके बाद वापस टेस्ट दीजिए उसी स्लॉट में, 24 दिन के जो दिन है उसी के अंदर आपको एक और टेस्ट देना है 2 आवर का। वापस से सेम काम, रात को सोने से पहले सारे जो टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, या यहाँ पर आपको कोई भी मान लो प्रॉब्लम आ गई, तो आप डायरेक्टली जा कर के उस बुक के अंदर सिर्फ डिफरेंट थ्योरी वाला पॉइंट निकालेंगे और देख लेंगे एक बार उसको, और फिर देखो उससे क्वेश्चन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आराम से 24 वाले डे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दो 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 टेस्ट भी अगर आप देते हैं तो पर डे के बेस पर आपके 6 टेस्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 CBT टेस्ट आप कर चुके होगे। उसके बाद आप 28 को जा कर के दे सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का है अभी ज़्यादा, मान लो 29, 30, 31 को या फिर 1 तारीख को है, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम है, उनके पास 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो थ्योरी को तो 23 तक ही कंप्लीट करना है, इसमें आप बफर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ढील देने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट ज़्यादा दे दे, अगर मान ले 26 को हो चुका है, मान लो किसी का पेपर 30 को है, तो उसके पास 26 के बाद 27 भी बचेगा, 28 भी बचेगा। मान लो 29 को उसे जाना पड़ रहा है, तो 28 तक 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, तो उन 2 दिन में क्या कर सकता है, वो वापस से सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, 1-2 टेस्ट फालतू दे सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आप 5 से 6 टेस्ट तो देंगे ही देंगे इसके अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। इसके बाद आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। अब यहाँ देखिए, टोटल 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से CBT 1 की कट ऑफ गई है, ये मान के चलना कि
पेपर कंपैरेटिवली इजी आ सकता है और कट ऑफ हाई जा सकती है। तो ये मत सोचना कि 90 या 100 ही जाएगी, ज़्यादा जा सकती है, ये पहले से लेके चलो। लेकिन अगर पेपर लेवल का जो लेवल है वो बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है ना, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली उस हिसाब से गिर भी जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये माइंड में मत लेके चलना कि पेपर ईजी आया तो भी 90 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप CBT 1 में भी देख सकते थे। अब देखिए, इस 120 मिनट्स को और इस 150 मिनट्स को हम डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं इस 150 क्वेश्चंस को डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स में। एक है 50 क्वेश्चंस जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल हैं, और एक है 100 क्वेश्चंस जो प्योरली टेक्निकल हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में कंप्यूटर भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगी, GK और GS भी आए, GK आएगा, GS तो फिजिक्स केमिस्ट्री मान लीजिए, तो GK भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगी, ठीक है। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो 50 क्वेश्चंस के हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पहले जहाँ से पढ़ी थी वहीं से रिकॉल करनी है, GK करंट अफेयर्स के फॉर्म में जो आप पढ़ते आ रहे हो वही कंटिन्यू करें, उसी को पढ़ते रहें। बाकी बचते हैं एक कंप्यूटर, एक एनवायरनमेंट। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ल्यूसेंट की बुक प्रोवाइड करी है, वो दोनों फॉर्म में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है, दोनों हैं। तो दोनों आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग हैं, दोनों डाउनलोड कर लेना। उससे होगा ये कि कुछ चीज़ इंग्लिश में आपको समझ नहीं आती तो आप हिंदी में कंप्लीट कर लेना उसको, और आपको इंग्लिश में समझ में आती है तो इंग्लिश से कर लीजिए, ठीक है, बाई लैंग्वेज हो जाएगा। तो कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। अब देखिए, कंप्यूटर के अंदर 20-30 पेजेस हैं, सेम इसके अंदर 15-25 पेजेस के आसपास हैं, ठीक है। तो ये काम करने में आपको कम समय लगेगा, और उसके बाद सीधे आप क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत बड़ा है, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा है। सिविल के अंदर तो एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट है, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है पूरी, सिर्फ आपको बेसिक्स पता रखने हैं। तो बेसिक्स पता रखने के लिए जितना इस बुक में दिया हुआ है ल्यूसेंट में, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन, इसी में से सब कुछ आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन टेक्निकल में GK वाला पार्ट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऑलरेडी कर चुके होगे, आपका कंप्यूटर यहाँ से अच्छा हो जाएगा, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। GK आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने पहले कैसे की थी, उसी बेस पर आप इस वाले को अटेम्प्ट करें। तो 50 में से 35 क्वेश्चंस में जो हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, बाकी के जो 15 GK के हैं उन्हें आप देख लीजिए आप कैसे कर सकते हो। बाकी के 100 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं। अब मैं इस 120 मिनट्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला पार्ट होगा जिसके अंदर आप सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप स्टार्ट होते हैं यहाँ से टेक्निकल वाले क्वेश्चन से, तो आपको जाना कैसे है 1-150, बीच में कहीं से नहीं रुकना, 45 से स्टार्ट नहीं करना, पीछे से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले नंबर से, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 150 तक जाएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे वन गो के अंदर, फर्स्ट गो, ठीक है, तीन गो में पेपर होगा, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट गो में वो क्वेश्चंस होंगे जो इजी हैं एंड यू नो द आंसर, यानी कि आसान भी हैं और आपको आते भी हैं, ठीक है ना, पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है। दूसरे गो में आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपने कभी ना कभी देखे हुए हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो माइंड में क्लिक नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन है ये, या फिर इसका आंसर क्या होगा। दे आर मॉडरेट और इजी, बट और एंड यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न का मतलब यहाँ ये है कि आपको आते तो हैं वो क्वेश्चन, वो ईजी है तो मॉडरेट लेवल के ही, बट आप थोड़े से उसके अंदर डाउट में हो कि कौन सा इसके अंदर आएगा। और थर्ड गो के अंदर वो क्वेश्चन करते हैं या तो जो हार्ड हैं या फिर मॉडरेट हैं एंड यू डोंट नो। अब इस थर्ड गो का रीज़न क्या है, मतलब क्या है, मैं उसको भी अभी डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट गो का, इजी, ठीक है। तीन तरीके से क्वेश्चंस आने वाले होंगे, इजी, मॉडरेट और टफ या हार्ड, ठीक है ना।
सबसे पहले इजी क्वेश्चंस उठाने, यानी कि देखते ही आपको पता चल रहा है, टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। और इसके अंदर ये ध्यान देना, इजी वाले क्वेश्चंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन करने हैं दैट आर ओनली थ्योरी, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे सेकंड ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस करो, कितनी ईजी वो दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस करिए जो आपको पता है। इसके अंदर आप पहले गो में 150 में से 50 भी क्वेश्चन कर लेते हो, आधा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मॉडरेट और इजी में। अब वो जो मॉडरेट इजी हैं, क्योंकि आप वहाँ कन्फ्यूज हो, तो इजी हैं तो उसमें भी कन्फ्यूज हो सकते हो, मॉडरेट है तो उसमें भी हो सकते हो। तो सेकंड गो में आपको वो मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं या वो इजी क्वेश्चंस करने हैं जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ नहीं रखी थी, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके अंदर कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप सेकंड गो में करिए उसको। प्लस वो क्वेश्चंस जो आपको कन्फ्यूजन में रख रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा जो है, ये जो सेट है, आप पहली चीज़ दो ये करोगे ना तभी आपका टाइम ख़त्म हो चुका होगा 120 मिनट्स। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है कि आप तीसरा गो भी ले सकते हो। उस तीसरे गो के लिए मान लो आपको 10 मिनट या 5 मिनट ही मिलते हैं, 5 मिनट भी मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस हैं आप उनको वापस से देख लीजिए कि क्या कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, आपने कुछ इस तरीके की चीज़ पढ़ी है। आपको अगर लगता है कि आपने ऐसी कुछ चीज़ पढ़ी है तो आप टिक करके आगे निकल सकते हैं, अदरवाइज़ फॉल्स या गलत उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ये आपका अटेम्प्ट करने का तरीका होगा। और आपको जो भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।